हेलो स्टूडेंट, राजा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा जब 12वीं अध्याय 5 केमिस्ट्री में पृष्ठ रसायन। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को अध्याय 4 ठीक है रासायनिक बल गतिकी को अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पृष्ठ रसायन क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, ये जो है इसको भौतिक रसायन का पार्ट मान सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको रसायन कहाँ से है इसको बताऊँ, ये पृष्ठ रसायन शब्द आया कहाँ से है तो मैं बता देता हूँ। हम लोग पढ़ते हैं रसायन, ठीक है, जो कि विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक, विज्ञान के अंतर्गत रसायन, फिजिक्स केमिस्ट्री और अपना बायोलॉजी और अपना क्या आता है गणित आता है। ठीक है, तो रसायन पढ़ते हैं हम लोग। अब रसायन की भी तीन शाखा होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है भैया अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और एक होता है भौतिक रसायन। ठीक है, और भौतिक रसायन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पृष्ठ रसायन को। ठीक है, पृष्ठ रसायन को हम लोग सतह रसायन भी कहते हैं। जैसे नाम से लग रहा है कि किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं और घटनाएं हैं उनका अध्ययन हम लोग यहाँ पे रसायन की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिफिनेशन रूप में और अच्छे से बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एग्जांपल है, मान लो कि यहाँ पे मैंने एक प्लेटिनम की तार ली हुई है, प्लेटिनम का तार हो गया। ठीक है, या फिर मैं प्लेट ले सकता हूँ या फिर जाली ले सकता हूँ प्लेटिनम की। ठीक है, तो प्लेटिनम की तार है या फिर जाली है। ठीक है, तार या जाली जो भी मानो आपको। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या होता है, एक खासियत होती है। खासियत क्या होती है कि प्लेटिनम जो है वो क्या करते हैं, वायुमंडल के जो हाइड्रोजन गैस होते हैं, वायुमंडल के हाइड्रोजन गैस उनको अपनी सतह पर क्या कर लेता है, इस प्रकार से क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेती है। इसको हम लोग बोल देते हैं अधिशोषण। इस क्रिया का जो नाम है उसका नाम है अधिशोषण। ठीक है, और ये जो घटना होती है इसका मतलब ये होता है कि ये अभी इसको इसी को पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये क्या करती है, सतह पर क्या कर लेती है, चिपका लेती है और जो भी रासायनिक क्रिया करवानी है वो करा देती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के बाह्य पृष्ठों पर होने वाले क्रियाओं या घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे वो घटना या क्रिया क्या हो सकती है, जैसे अधिशोषण हो सकता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि पृष्ठों पर होने वाली जो घटना होती है वो क्या क्या हो सकती है, पृष्ठों पर होने वाली घटना। तो पृष्ठों पर मुख्यतः रूप से तीन घटनाएँ होती हैं। पहला जो होता है वो अधिशोषण होता है। दूसरा जो होता है वो उत्प्रेरण होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है कोलाइडी अवस्था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा अभी के लिए, फिर हम लोग डिटेल से क्या पढ़ेंगे, अधिशोषण पढ़ेंगे। अधिशोषण में क्या होता है, किसी एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ के कण आकर के क्या होते हैं, सतह पर जाकर के चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये अधिशोषण होता है। ठीक है, उत्प्रेरण का मतलब होता है कि जैसे कि कोई अभिक्रिया में क्या होता है, किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति की वजह से क्या होता है, वो अभिक्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, अतः उस क्रिया का नाम होता है उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, कोलाइडी अवस्था का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बताऊँ तो जैसे पनीर बनती है, तो पनीर एक प्रकार से क्या है, कोलाइडी अवस्था होती है। तो ये भी सतह पर होने वाली घटनाएं हैं। तो इन्हीं सबको हम लोग क्या करने वाले हैं, वन बाई वन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ी थोड़ी बात आपको बता दी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अधिशोषण। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है पृष्ठ रसायन सतह रसायन का एग्जाम्पल ये अधिशोषण और उत्प्रेरण और कोलाइडी अवस्था है, जो कि पृष्ठ पर होने वाली क्या होती है, घटनाएँ होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अधिशोषण को मैं अच्छे से समझाता हूँ। मैंने एग्जाम्पल पहले से रखा हुआ है, एग्जाम्पल को यहाँ पर मैं अलग से रखा रहता हूँ। ठीक है, और भी एग्जाम्पल में साथ में शामिल करते रहूंगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे सबसे पहले अधिशोषण की बात की है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अधिशोषण। इसको हम लोग इंग्लिश में एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या होगी, जैसे इस एग्जाम्पल को देख के लग रहा होगा, इसमें किसी एक पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ की जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य पृष्ठों पर क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से इकट्ठा जमा या फिर चिपक जाते हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है,
तो मैंने आपको परिभाषा बता दिया जो कल क्या लिखना है। ऐसे और भी कई एग्जांपल जानते होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब टीचर क्या करता है डस्टर से क्या करते हैं ब्लैक बोर्ड को जब क्या करते हैं साफ करता है, उसमें धूल के कण या फिर चौक के कण आके चिपक जाते हैं। ठंड के दिनों में आपने देखा होगा कि क्या होते हैं बाइक हो गया या फिर कार वगैरह हो गया उसकी सीटों पर क्या हो जाते हैं या फिर उसके खिड़कियों पर क्या हो जाते हैं प्रकार से देखा जाए तो उस पर धूल जो है वो चिपक जाते हैं, धुआं वगैरह चिपक जाता है कहीं पे। आपको आपने देखा होगा कहीं पे पानी जो है जलवाष्प जो है वो क्या हो जाती है चिपक जाती है। तो ये सब जो घटनाएं होती है ये बाह्य पृष्ठ पर ही होती है, बाह्य पृष्ठ पर ही चिपक जाती है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है इसको हम लोग क्या करते हैं अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल काफ़ी सारा बता दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें आने वाली घटनाओं को और पढ़ते हैं। अधिशोषण से संबंधित शब्दावली फर्स्ट है अधिशोषक। अधिशोषक यहां पे एक शब्द समझेंगे अधिशोषक क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया था आप लोगों को, जैसे कि मैंने क्या किया प्लेटिनम की तार में मैंने यहाँ पे प्लेटिनम का तार लिया हुआ था, हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे हम लोग क्या किए थे यहाँ पे लेके आए थे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन की जो कण है हाइड्रोजन गैस की जो कण है ठीक है वो क्या हो गई है प्लेटिनम की तार पर क्या हो गई है अधिशोषित हो गई है। ठीक है, तो जो प्लेटिनम की जो तार है प्लेटिनम की तार जो कि क्या कर रही है इस गैसी पदार्थ को क्या कर रही है अधिशोषित कर रही है। ठीक है, तो ये जो आपका प्लेटिनम का जो तार है ये कहलाता है अधिशोषक, इसको हम लोग बोलेंगे अधिशोषक। ठीक है, और जो पदार्थ जो है इस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होती है या फिर इकट्ठा होती है चिपकती है उनको हम लोग बोलते हैं अधिशोष्य। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में प्लेटिनम क्या हो जाता है अधिशोषक होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है अधिशोष्य होती है। ठीक है, और इस पे जो होने की अधिशोष्य का अधिशोषण की सतह पर होने वाली जो घटना होती है इसको क्या बोलते हैं अधिशोषण बोलते हैं। तो मैंने आपको दो शब्द से रूबरू करा दिया है अधिशोषक व अधिशोष्य। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम से मैंने समझा दिया है। ठीक है, अधिशोष्य। ठीक, अच्छा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि देखो जो अधिशोषक होते हैं वो कौन कौन सी अवस्था में हो सकते हैं, ठोस द्रव गैस क्या। ठोस में जानते हैं कोई भी कण क्या होते हैं चिपक जाते बहुत सारे कण, तो ये प्रकार से अधिशोषक जो हो सकते हैं वो ठोस हो सकते हैं अपने। ठीक है, द्रव हो सकता है क्या, हाँ द्रव भी हो सकता है। द्रव में भी क्या होते हैं जैसे कुछ कंकड़ या कुछ पदार्थ जो है क्या हो जाते हैं उसमें भी चिपक जाते हैं, तो एक प्रकार से द्रव भी हम लोग क्या कर सकते हैं अधिशोषक के रूप में ले सकते हैं। लेकिन गैस में कोई अन्य पदार्थ जो है वो चिपक नहीं पाते इसलिए गैस मैं नहीं लेने वाला हूँ। यानी अधिशोषक जो होते हैं या तो वो ठोस हो सकते हैं या तो वो द्रव हो सकते हैं। ठीक है, अधिशोषक क्या क्या हो सकता है, क्या कोई ठोस किसी ठोस पर चिपक सकती है, हाँ बिल्कुल चिपक सकती है। जैसे धूल कंकड़ क्या होते हैं वो किसी ठोस सीट पर क्या हो जाते हैं चिपक जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप गैस या सॉरी ठोस ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ठोस जो है वो अधिशोषक के रूप में आप चुन सकते हो ले सकते हो। ठोस के बाद हम लोग द्रव, क्या द्रव भी चिपक जाती है क्या, जलवाष्प एक द्रव के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वो क्या होती है किसी जमीन पर या फिर एक प्रकार से किसी सतह पर क्या हो जाती है चिपक जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे द्रव को भी हम लोग अधिशोषक ले सकते हैं। और तीसरी बात क्या है, गैस तो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी तो गैसी मात्रा में गैसी चीज़ है हाइड्रोजन गैस वो ठोस अधिशोषक पर या प्लेटिनम की तार पर क्या हो रही है चिपक रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गैस को भी ले सकते हैं। तो अधिशोषक तीन हो सकता है, ठोस द्रव गैस होता है, अधिशोषक जो होता है केवल ठोस या द्रव होती है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि अधिशोषण की क्रिया क्या होती है, अधिशोषण संबंधित शब्दावली में अधिशोषक क्या होता है अधिशोष्य क्या होता है और इनकी दोनों होने वाली जो क्रिया है उसको हम लोग अधिशोषण कहते हैं या फिर अधिशोषित होना कहते हैं। ठीक है, अधिशोषक जो होते हैं वो ठोस या द्रव हो सकते हैं, अधिशोषक जो होते हैं वो ठोस द्रव गैस हो सकता है। आपको एक चीज़ बहुत ही कन्फ्यूजन लग सकता है कि एक अवशोषण शब्द भी होता है अवशोषण। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग अगले वीडियो में और भी बहुत सारे अधिशोषण से संबंधित शब्दावलियों को संबंधित लेकर के हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ समझेंगे। ठीक है, अवशोषण क्या होता है। ठीक है, अवशोषण में होता यह है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, गद्दे देखे हो या फिर जो बड़े बड़े गद्दे आते हैं मोटे मोटे गद्दे आते हैं उसमें क्या होता है पानी के कण जो है वो क्या हो जाते हैं बाहर में भी चिपक जाते हैं, साथ में क्या होते हैं इसके अंदर भी क्या हो जाते हैं आंतरिक भागों में भी क्या हो जाते हैं चले जाते हैं। तो इस प्रकार को क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग बात होती है, अपने टॉपिक में सतह रसायन चल रहा है, सतहों पर होने वाली घटनाओं का ही अध्ययन
इसमें किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो में और भी कई शब्दों को हम लोग समझने वाले हैं, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।